लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना महामारी के बीच एमपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर शिवराज मंत्रिमंडल की चर्चाएं जोरों पर है। माना जा रहा है कि 6 मई को बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्री बनने की दौड़ में कई भाजपा नेताओं और सिंधिया समर्थकों के नाम हैं। फिलहाल शिवराज की मिनी कैबिनेट में 5 मंत्री है। इसी बीच अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बसपा विधायक रामबाई स्वास्थ्य और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पहुंची। इस दौरान जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो सही लगे वे करे। रामबाई के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कहा कि बीजेपी की जो नीति है उन्हें जो सही लगेगा वही करेंगे। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्र की जनता का विकास महत्वपूर्ण है, पहले इस पर प्राथमिकता है। आगे बीजेपी की सोच है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल की चर्चाओं के बीच विधायक का यूं मंत्री के बंगले पर जाना चर्चा का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बीजेपी की खुद की नीति है और उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करवाना है, क्षेत्र की जनता का विकास महत्वपूर्ण है, तो मैं पहले उस पर प्राथमिकता मेरी है। आगे उनकी खुद की मतलब सोच है, क्या उनको सही लगता है क्या सही है क्या नहीं है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।